हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को टैली में किसी भी इनवॉइस की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली बढ़ाना है या वन टाइम के लिए बढ़ाना है, दोनों के लिए ही बात करते हैं आज। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आ जाइए। स्क्रीन पर आने के बाद अपना कोई इनवॉइस ओपन कर लीजिए। कोई इनवॉइस ओपन करेंगे और इनवॉइस ओपन करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल पी की कमांड होती है प्रिंट के लिए। ठीक है, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, राइट साइड में नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन है कि आप वन टाइम के लिए अपने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को बढ़ा सकते हैं, राइट। जितनी भी आपको कॉपीज़ चाहिए उतनी आप कॉपीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, और जो भी कॉपी आपको प्रिंट करनी है, डुप्लीकेट, एक्स्ट्रा, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा है कि आप परमानेंटली कॉपीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट ऑल्ट पी कमांड है। ऑल्ट पी प्रिंट, प्रिंट पे जाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशंस में शो मोर करना है, एंटर। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेट नंबर ऑफ़ कॉपीज़, फिफ्थ ऑप्शन है सेट नंबर ऑफ़ कॉपीज़, एंटर करना है। जिस भी इनवॉइस की आपको कॉपीज़ बढ़ानी है या घटानी है, आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, परमानेंटली बढ़ जाएंगे यहाँ से। मतलब जब भी आप प्रिंट लेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आएंगे जितनी आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो जैसे हमने परचेज इनवॉइस में 4 कर दिया, ठीक है। अब इसको सेव कर देंगे हम, कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, अब हम परचेज इनवॉइस ओपन करेंगे और कंट्रोल पी प्रिंट की कमांड देंगे। अब यहाँ देखेंगे हम प्रीव्यू में तो नंबर ऑफ़ कॉपीज 4 आ रही है। ठीक है, राइट। अब देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज 4 आ रही हैं। ठीक है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।